दोस्तों बिहार बोर्ड से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आप क्लास 9, 10, 11 या फिर 12th में है तो ये न्यूज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए इतना सारा न्यूज़ इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल को ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो न्यूज़ और अपडेट ये है कि 9वीं के रजिस्ट्रेशन पर ही मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाएं देंगे छात्र। यानी अब आपका रजिस्ट्रेशन क्लास 9th में ही हो जाएगा, जिस पे आप क्लास 10th का एग्ज़ाम और 12th का एग्ज़ाम दोनों आप एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर दे सकेंगे। ठीक है, तो आपको इस साइड आप को दिख रहा होगा, अब बिहार बोर्ड के छात्र एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैट्रिक व इंटर परीक्षाएँ देंगे। 9वीं कक्षा में ही छात्र का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन अब 9th क्लास में ही हो जाएगा, जिससे आप एक भी बार रजिस्ट्रेशन करवा के एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप ये मैट्रिक और इंटर दोनों का परीक्षा आप दे सकेंगे। और अपडेट, दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस साइड, प्रवेश पत्र में अंकित होगी विद्यार्थियों का जन्म तिथि। पहले क्या होता था, आपको मार्कशीट पर ओनली मार्कशीट पर आपको डेट ऑफ बर्थ रहता था, और अब जो है एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, सो प्रवेश पत्र में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा यानी जन्म तिथि रहेगा। जिससे इसके फ़ायदा क्या होगा कि आप कहीं भी डॉक्यूमेंट जमा करने जाते थे तो उसमें आपको DOB वाला डॉक्यूमेंट मांगता था, डेट ऑफ बर्थ वाला जिसमें जन्म तिथि दिया रहेगा। सो आपको आपके पास वो डॉक्यूमेंट रहता नहीं था, तो आपको वो दिक्कत होती थी, आपको हमेशा मार्कशीट देना पड़ता था या फिर आधार कार्ड वगैरह देना पड़ता था। अब आप वहाँ पर जाके आप एडमिट कार्ड भी आप दे सकते हैं। और फिर तीसरा अपडेट ये है कि प्रश्न पत्र के बनेंगे 8 सेट। ठीक है, वायरल होने पर दूसरे सेट से होगी परीक्षा। यानी पहले क्या होता था, कम सेट बनाए जाते थे, थोड़े बहुत सेट बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था क्वेश्चन जो था वायरल हो जाता था और वो व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लीक हो जाता था क्वेश्चन वगैरह। सो उससे क्या होता था, लीक क्वेश्चन का इतना जल्दी तो एग्ज़ाम कैंसिल कर किया नहीं जा सकता था। उसके लिए होता था कि वही एग्ज़ाम वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम सेट का एग्ज़ाम लिया जाता था, जिससे क्या होता था स्टूडेंट बाद में फिर हंगामा होता था, शोर शराबा होता था, रैली निकलता था। तो इसके लिए क्या इस बार बिहार बोर्ड टोटल 8 सेट वन निकाल लेगा। तो इस 8 सेट में आपको बहुत सारे, अगर कोई भी सेट अगर लीक होती है तो जाके उसका दूसरा सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो उस सेट से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। सो इससे क्या होगा, चोरी वगैरह की संभावना बहुत ही घट जाएगी, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। और ये अपडेट, यहाँ पे बिहार बोर्ड में बैठक में भाग लेते बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर। यहाँ आनंद किशोर जी ये बात बताए हैं कि 9वीं के रजिस्ट्रेशन पर ही मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षा देंगे छात्र, और आपका एडमिट कार्ड पे आपका जन्मतिथि रहेगा, और टोटल बोर्ड एग्ज़ाम में 8 सेट बनाया जाएगा। ठीक है, सो ये आज की अपडेट थी। सो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें।